कृष्णापुर गांव में रहे वेंकट और श्रीलक्ष्मी को चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां हैं। अचानक से एक दिन श्रीलक्ष्मी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो हॉस्पिटल के बेड पर उसके पति से ऐसे कहने लगी, सुनिए जी, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या आप पूरा करोगे? क्या ख्वाहिश है लक्ष्मी? हमारे दोनों बेटियों को बड़ा करना आपको बहुत मुश्किल होगा जी, इसीलिए आपको दूसरी शादी करना पड़ेगा। वो भी मेरी छोटी मौसी की बेटी भूलक्ष्मी से ही शादी करना है। वो बात सुनके वेंकट चुप रह जाता है। तब श्रीलक्ष्मी खांसते हुए ऐसे कहने लगी, क्या जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे पता है मेरी बहन भूलक्ष्मी से शादी करना आपको पसंद नहीं है। अभी मेरी बहन बदल गई जी, पहले की तरह भाई की बुरी बातें नहीं सुन रही। ऐसे भूलक्ष्मी के बारे में श्रीलक्ष्मी कह के वेंकट को शादी के लिए मंजूर करने की कोशिश करके मर जाती है। अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए वेंकट उसकी मर्जी के खिलाफ लक्ष्मी से शादी कर लेता है। वेंकट से शादी करके ससुराल घर आई भूलक्ष्मी चंद्रिका और हरिता को सगे बेटियों की तरह देखने पर वेंकट को भूलक्ष्मी के ऊपर भरोसा बढ़कर उसे संपत्ति के मामले भी सौंप देता है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से वेंकट को दिल का दौरा आकर वो मर जाता है। तब से दोनों बहनों की डॉक्टर की पढ़ाई की जिम्मेदारी मौसी भूलक्ष्मी लेती है। थोड़े दिनों बाद भद्रम जेल से रिहा होता है। वो भूलक्ष्मी के घर पर रहकर एक दिन ऐसे कहने लगा, दीदी, तू बेकार में चंद्रिका और हरिता के डॉक्टर पढ़ाई के लिए पैसे वेस्ट कर रही हो। उनके पढ़ाई के पैसों में से आधा पैसे शहर के बाहर एक छोटा सा जमीन लेने से उसकी कीमत 10 गुना बढ़ती। दीदी, भद्रम फिर से मुझे गलत सलाह देना शुरू कर दिए। उन दोनों को डॉक्टर बनाना मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश है। अरे दीदी, वो जीजा की आखिरी ख्वाहिश है, पर जीजा मर जाने के बाद तुम्हारी कोई आमदनी है? नहीं है ना? तो ऐसे संपत्ति पूरा पिघला कर पढ़ाने से कल के दिन लड़कियों की शादी कैसे करोगी दीदी? अगर वो दोनों डॉक्टर बनके शादियां करके चले जाने से तेरी स्थिति क्या होगी? इसीलिए उन दोनों की पढ़ाई बंद कर दे, बाद में तेरी मर्जी। ऐसे कहकर भद्रम अपनी दीदी का मन बदल देता है। उसके बाद दोनों बहनों की डॉक्टर की पढ़ाई आधी में ही रुक जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन भूलक्ष्मी फसल के पैसे लाकर कबोर्ड में रख कर चाबी उसी को छोड़कर भूलकर चली जाती है। तब भद्रम उसमें रहे पैसे लेकर बाहर बार में आधे पैसों से एंजॉय करके बाकी पैसों से 2 गहने खरीद के उस दिन रात को चंद्रिका और हरिता सोते समय उनके कॉलेज बैग्स में डाल देता है। उसके बाद भद्रम कबोर्ड की चाबी भूलक्ष्मी के तकिए के नीचे रखकर चला जाता है। अगले दिन सुबह भूलक्ष्मी पैसों के लिए कबोर्ड खोल कर देखने पर उसमें पैसे नहीं रहते। तब सबको हॉल में बुलाकर यह विषय बताती है। तब भद्रम ने, अरे पैसे नहीं है? कल रात को ये चंद्रिका और हरिता तेरे कमरे से आते हुए मैंने देखा है दीदी। मामा, ये क्या कह रहे हो? हम क्यों उस कमरे में जाएंगे? झूठी बातें मत बोलो, हम पर आरोप मत लगाओ। हमारे घर में चोरी करने की क्या जरूरत है? ऊपर से हम तुम्हारे जैसे इससे पहले जेल को भी नहीं गए ना। हरिता, ये क्या, बड़े उम्र में रहे मामा से ऐसे ही बातें करते हो क्या? नहीं दीदी, नहीं, मेरी भतीजी को मेरे ऊपर शक होने के बाद मैं जांच के लिए तैयार हूँ दीदी, अभी मेरा बैग लाकर दिखाऊंगा। ऐसे कह के भद्रम उसका बैग लाकर खोल के ऐसे कहने लगा, मैं अपना बैग खोल कर दिखा दिया तो तुम भी अपना बैग दिखाओ। इस तरह दोनों बहनों को भड़का कर उनके कॉलेज बैग्स को ओपन करके दिखाने पर उसमें कीमती सोने के गहने रहते हैं। उन्हें देखकर भूलक्ष्मी चौंक जाती है। इतने कीमती हार तुम्हारे पास कैसे आए? कहने को और क्या है दीदी, घर में पैसे चोरी करके गहने खरीदे,
उस कबोर्ड में बहुत पैसे थे ना, गहने खरीदने के अलावा बाकी पैसों से क्या किए बताओ? मौसी, सच में वो पैसे हमने ही लिए। ये हार हमारे बैग में कैसे आया पता नहीं मौसी। ऐसे पूछने से क्यों बताएंगे दीदी, इन दोनों को पुलिस के हवाले करने से सच बाहर खुद ब खुद आ जाएगी, वो इन्हें जेल की सजा देकर सही ठिकाने लगाएंगे। इस तरह भद्रम दोनों बहनों को अपनी दीदी के सामने चोरों की तरह साबित करके उन्हें पुलिस के हवाले करके जेल को भेजता है। उसके बाद दोनों बहनें 5 साल जेल की सजा काट के घर वापस आते हैं। उस घर में भूलक्ष्मी नहीं रहती, ऊपर से वो घर पूरा खराब हो जाता है। तब उधर से गुजर रहे एक दादी से चंद्रिका ऐसे पूछने लगी, दादी इस घर में लक्ष्मी मौसी थी ना, वो कहाँ है? किसके बारे में पूछ रहे हो? वेंकट की दूसरी पत्नी भूलक्ष्मी चाहिए क्या? वो अपने भाई के साथ व्यापार के काम से दुबई चली गई। दादी हमें पहचानी? वेंकट की बेटियां हैं हम, मुझे और मेरी बहन को बहुत भूख लगी है, आपके घर ले जाकर थोड़ा खाना खिलाओ ना। ओ, चोरी किए लड़कियां हो क्या? इतने नेक इंसान को पैदा होकर घर में चोरी करने के लिए शर्म नहीं है? जाओ यहाँ से, इस गांव को छोड़कर चले जाओ। ऐसे दादी उन्हें बहुत बातें बोलकर शपथ लगाने पर हरिता और चंद्रिका गांव से दूर रोड के पास एक बेंच पर बैठकर रोते रहते हैं। तब हरिता ऐसे कहने लगी, अगर पापा जिंदा रहते तो अब तक हम दोनों डॉक्टर्स बन जाते, हमारी स्थिति अच्छी रहती। उस बेकार भद्रम ने हमारे ऊपर आरोप लगाकर आज हम रोड पर पड़ के भूख से मर रहे हैं। दीदी तू चिंता मत कर बहन, हमारी पढ़ाई बीच में रुक जाने से क्या हुआ, माँ ने हमें खाना बनाना सिखाई ना, कुकिंग को पेशे में बदल कर इसी रोड के बाजू ढाबा बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे चंद्रिका हरिता से कहकर रोड साइड जेल मॉडल में ढाबा बनाकर उसको श्रीलक्ष्मी वेंकट ढाबा नाम रख के होटल बिजनेस शुरू करते हैं। व्यापार शुरू किए थोड़े दिनों में ही चारों ओर रहे लोगों को जेल मॉडल में रहे होटल वैरायटी लगने पर दूसरे होटल को जाना बंद करके जेल होटल को खाने आने लगे। उनका जेल होटल व्यापार सक्सेस होने पर उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों से चंद्रिका और हरिता डॉक्टर की पढ़ाई पूरा करके डॉक्टर्स बन जाते हैं। इस प्रकार चंद्रिका और हरिता कई कठिनाइयां और अपमान सह के आखिर में उनके पिता की ख्वाहिश पूरा करते हैं। ये कहानी आपको पसंद आने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दो बहनें चंद्रिका और हरिता के माता पिता मर जाने पर जिंदगी बिताने के लिए ज्वेलरी शॉप में काम करने लगे। सुबह शॉप खोलने के बाद वो शॉप का ओनर बाहर चला जाता है। वापस शाम को आकर पैसों का हिसाब पूछ के जल्दी से पैसे लेके शॉप बंद करके चले जाता है। लेकिन बहुत दिनों से दोनों बहनों को तनख्वाह नहीं देता। एक दिन शॉप में काम करते समय बहन हरिता को बहुत गुस्सा आके दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी आज कैसे भी हमारे ओनर से पैसे पूछेंगे, शायद उसे याद भी नहीं रहेगी कि कितने महीनों से वो हमें तनख्वाह नहीं दे रहा है। जरूरत हमारी है ना, तो हम कैसे भूल जाएंगे? झगड़ा क्यों करना बहन, हम काम कर रहे हैं ना, उससे पैसे धीरे से पूछ के लेंगे। उससे झगड़ा करके हमारे काम को खराब क्यों करना बहन? नहीं दीदी, ये ओनर थोड़ा ओवर कर रहा है, मुझे चांस मिलने से कोई ना कोई गहना उठा के ले जाकर बेचूंगी। दीदी गलत बहन, ऐसी सोच भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार दोनों बहनें उनके मेहनत के पैसे लेने के लिए 100 बार ओनर से पूछना पड़ रहा है। बार बार पूछने के बाद भी ओनर तनख्वाह नहीं देता। एक बार वो ऐसे कहने लगा, ठीक है अभी तुम्हें कितना चाहिए? कितना क्या सेठ, हमारा पूरा तनख्वाह दे दो, हमारी जरूरत से तुम्हें क्या लेना देना? ऐसे गुस्से से कहती है। तब चंद्रिका हरिता को रोक कर, बहन रुक जा, देखो सेठ हमें 30,000 रुपए का कर्जा चुकाना है, वो नहीं चुकाने से बहुत झगड़े हो जाएंगे, इसीलिए हमारे पैसे दे दो सेठ। ठीक है, पूरा मतलब अभी मुश्किल है,
लेकिन 30,000 रुपए का तो मैं इंतजाम कर दूंगा, बाकी पैसों का बाद में देखेंगे। ऐसे शायद वो दया का भीख दे रहा है, जैसे उनके पैसे 30,000 रुपए देके भेज देता है। वो जानबूझकर उन बहनों के तंखवे के पैसे रख लेता है। इस प्रकार थोड़ा समय बीतने के बाद एक बार दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ओनर पैसे नहीं देने पर उससे झगड़ा करने लगे। तब वो ओनर ने दोनों बहनों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर चोरी हुए गहनों के पैसे तंखवे के पैसों के बराबर हो गए कह के उन्हें काम से भेज देता है। दोनों बहनों को काम से निकाल देने पर दूसरे काम को ढूंढते हुए एक जंगल के रास्ते से पास गांव को जाने लगे। जंगल के बीच में आने के बाद उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। बच्चियाँ, मैं तुम्हारी परेशानियाँ दूर करूँगा, इधर आओ। ऐसे आवाज सुनाई देने पर दोनों बहनों ने, बहन वो आवाज सुनी क्या? हाँ दीदी, शायद हमें कोई बुला रहा है। बाप रे, मुझे डर लग रहा है बहन, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा दीदी, चलो वो आवाज किधर से आ रही है देखते हैं। ऐसे दीदी को हिम्मत दिलाकर ले जाने पर वहाँ एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। दोनों उसके अंदर जाने के बाद वहाँ एक जलती हुई दिया नजर आती है। उसे देखकर चंद्रिका ऐसे कहने लगी, बहन शायद ये कोई गुफा है, यहाँ तो बहुत शांत है ना, ऊपर से यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, शायद उसी के वजह से यहीं रहने का मन लग रहा है बहन। हे भगवान, हमारी मुश्किलें दूर करो स्वामी, गहने चुराने की निंदा हम पर पड़ गई, अभी हमें जीने का रास्ता भी नहीं है, इसीलिए हमारे ऊपर हीरों की बारिश बरसा कर हमारी सारी परेशानियां दूर करो स्वामी। ऐसे अनजाने में चंद्रिका के मुंह से वो बात निकलने पर दोनों बहनें एक दूसरे को देखते हैं। तब वो माया गुफा चंद्रिका अनजाने में मांगी इच्छा उनको जरूरत रहने पर अचानक से हीरों की बारिश बरसाना शुरू करती है। उस हीरों की बारिश से दिया जल रही गुफा पूरा हीरों से चमकने लगी। वो सब देखकर दोनों बहनों को वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। दीदी ये सब क्या है, सच में हीरों की बारिश होने लगी? पता नहीं बहन, अनजाने में मेरे मुंह से वो बात निकल गई और अभी सच में हीरों की बारिश होने लगी। लगता है ये कोई माया गुफा है, देखो देखो कितने सारे हीरों की बारिश हो रही है, इन सभी हीरों से हम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं बहन। ऐसे चंद्रिका कहने पर हीरों की बारिश रुक जाती है। तब बहन शायद भगवान को हम पर दया आ गई, इसीलिए हम इधर आ सके, चलो ये सभी हीरे हम इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे, हमारे सारे कर्जे चुका कर कोई ना कोई व्यापार करके जिएंगे। ठीक है दीदी। उसके बाद दोनों बहनें हीरे इकट्ठा करके वही थैली मिलने पर उसमें भर के चले जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों बहनों को उस माया गुप्त गुफा में हुई हीरों की बारिश के कारण उनके सारे परेशानियां दूर हो जाते हैं।